बहुत दिनों से हमारा प्लान बन रहा था कि हम जाएं कहीं घूमने, तो आज फाइनली वो दिन आया है। एक गुड़गांव में जगह है लेपर्ड ट्रेल करके। का पहला ग्रुप और कैसे लगता है भैया? 4 घंटे हो गए गाड़ी चलाते चलाते, तब से ड्राइवर बना हुआ है तारा सिंह टाइप। एक्चुअली यार देखो, मैंने कुछ नहीं बोला, आप कहाँ लेके गए थे? लेपर्ड ट्रेल होटल शॉटल। मुझे लगा यार अच्छा होगा, पर थोड़ा शायद वो मॉर्निंग में ज्यादा अच्छा होता है, मॉर्निंग और इवनिंग है। मुझे थोड़ा बोरिंग लगा और इनके जो फ्रेंड थे वो आ नहीं पाए, कहीं और चले गए। तो हमने प्लान करा कि आज हम इनके ससुराल जाते हैं, इसके घर जाते हैं। बेचारे थक चुके हैं बहुत बुरी तरह से, आज इन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, मैंने भी नहीं करा। एक्चुअली हमारे ससुराल में ना समोसे मिलते हैं, तो हम करके नहीं जाते। हलवाई है, मतलब हमने पूछ लिया है उनका, कोई बाहर का प्लान तो नहीं है, तो बस अब जाएंगे और समोसे ऑर्डर करेंगे। एक्चुअली हलवाई हमें देख के तुरंत समोसे सेकने लगता है, उसको पता है हम जाते समोसे खाते। तो ये रहा अक्षरधाम, इसमें ना इवनिंग शो बहुत अच्छा होता है, बट हम कभी आ नहीं पाए, जब भी आते बहुत लंबी लाइन होती है। इतनी महंगी गाड़ी ले ली हमने और 100 रुपए का चश्मा नहीं ले पा रहा हूँ मैं। मेरे स्टाइल क्वेश्चन में इतनी कमी आ गई है ना, मतलब क्या भाई स्टाइल टसन ही नहीं लग रहा। कोई नहीं, मैं दिलाऊंगी आपको। हाँ तुम दिलाओगे, 4 महीने से दिलाई दो तुम। नहीं आज दिलाऊंगी, छोटी सी डिमांड है यार। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि मुझे महंगा, भाई देखो सिंपल सी बात है, हम दिखावा नहीं करते, हम पहनते हैं सरोजनी वाले चश्मे या सीपी वाले चश्मे जो कि आते हैं 100 रुपए के, बस हमें नहीं पहनना रही, बस हम नहीं खरीदते 5000 रुपए का चश्मा, सिंपल सी बात है। और जिसको 5000 का चश्मा खरीदना हो हमसे बात ना करें। तो एक टाइम था ये रोड इतना पतला था कि यहाँ पे जाम लगता था इतना, लेकिन इतना सही हाईवे बना दिया कि अब बस गाड़ी ऐसे भगती है साए साए। तो ये भाई साहब मुझे हमें गलत लेकर आ चुके हैं, ये रास्ता भूल गए अपने चश्मे के चक्कर में। बे यार हाईवे इतना तगड़ा है, मैं भगाए चला रहा हूँ गाड़ी दाएं दाएं, नहीं याद रहा। और इसे अपने घर का रास्ता नहीं पता, ये देख लो हम गलियों में घूमते रोड में तो ना घूमते, हाईवे पे कौन घूमता है? पता तो होना चाहिए भाई, देखियो कहाँ से आ रहे हो, कुत्ते का बच्चा सामने से गाड़ी ला रहा है इतने तगड़े हाईवे पे। सो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, और जो जो हमने सोचा था कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। लेपर्ड ट्रेल हम लोग गए, मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि तुम भी आ जाओ वहाँ से, तो वो फरीदाबाद वाले लेपर्ड ट्रेल चला वो फरीदाबाद वाले रेस्टोरेंट चला गया जो थ्रॉटल शॉटल का रेस्टोरेंट है, उसने लोकेशन में लेपर्ड ट्रेल ही डाला। अब वो 24 किलोमीटर दूर था, तो उसने कहा कि भाई आज रहने देते हैं फिर किसी और दिन मिलते हैं। फिर हमने वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी, फिर हम वहाँ से निकल गए क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो वहाँ पे भीड़ कम थी। लेकिन अगर अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो वहाँ पे इतने सारे बाइकर्स होते हैं, अभी भी मतलब बाइक्स आ रखी थी वहाँ पे। तो नेक्स्ट वीकेंड हम ट्राई करेंगे कि अगर अर्ली मॉर्निंग जाए थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, सो वो हम करने की कोशिश करेंगे इस बार, पक्की बात। सो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, कॉमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को भी दिखाते रहें, ठीक है? और आगे बढ़ने में हमारी मदद करें, धन्यवाद।